हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड एंड फाइन होम। वेलकम टू योर ईवीएस क्लास ऑफ ग्रेड सेकंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13, एनिमल किंगडम। सो एवरीवन, प्लीज ओपन योर ईवीएस बुक। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 13, एनिमल किंगडम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप क्वेश्चन। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। कैन यू आइडेंटिफाई द एनिमल्स? ड्रॉ a red circle around pet or domestic animals and a green circle around the animals that live in the wild। that means कि यहाँ पे देखो animals की photos है। अब आपको यहाँ पे जो domestic animals हो या तो फिर जो हमारे आसपास जो animals रह रहा हो उसके ऊपर आपको रेड सर्कल करना है, और जो वाइल्ड एनिमल है जो जंगल में रह रहा हो, फॉरेस्ट में रह रहा हो, उसके ऊपर आपको ग्रीन सर्कल करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। यू हैव रीड दैट देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल अराउंड अस, सच एज वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड पैट्स। दैट मीन्स कि हमने लास्ट ईयर में पढ़ लिया है कि हमारे आसपास जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो है वो रहते हैं, जैसे कि वाइल्ड एनिमल्स दैट मीन्स कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स दैट मीन्स कि जो हमारे घर के आसपास पाए जाते हैं, और देन द पैट एनिमल्स दैट मीन्स कि जो हमारे घर में रहते हैं। तो इन तीनों टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ लिया था। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, एनिमल होम्स। अब देखते हैं कि एनिमल्स जो होते हैं उनका घर कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, वाइल्ड एनिमल्स फाइंड देयर होम्स इन द जंगल दे लिव्ड इन। दैट मीन्स कि जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनका घर तो जंगल में ही होता है, क्योंकि वो लोग वहाँ पे ही रहते हैं। अ लायन लिव्स इन द केव। दैट मीन्स कि जो लायन है वो एक गुफा में रहता है। द केव वेयर द लायन लिव्स इज कॉल्ड इट्स डैन। दैट मीन्स कि जिस गुफा में, जिस केव में लायन रहता है उसको हम कहेंगे डैन। ओके, मोस्ट बर्ड्स मेक देयर होम्स ऑन ट्रीज। दैट मीन्स कि ज़्यादातर जो बर्ड्स होते हैं वो अपना जो घर है वो ट्री के ऊपर ही, पेड़ के ऊपर ही बनाते हैं। द होम्स ऑफ द बर्ड आर टोन एज नेट्स। दैट मीन्स कि जो बर्ड्स होते हैं उनका जो घर है उनको हम कहेंगे नेट्स। अ बर्ड्स लिव्स इन द नेस्ट। और जो बर्ड्स होता है वो नेस्ट के अंदर रहता है। सम एनिमल्स सच एज स्नेक एंड स्क्विरल लिव्स इन द हॉल्स ऑफ द ट्री ट्रंक। दैट मीन्स कि जो स्नेक होते हैं, स्क्विरल होते हैं, वो लोग जो होते हैं वो पेड़ के जो ट्रंक होती है उसकी डाली में जो छेद होता है वहाँ पे रहते हैं। सम स्नेक्स लिव्स ऑल्सो इन द होल्स फाउंड इन द ग्राउंड। दैट मीन्स कि कुछ स्नेक्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर होल में भी रहते हैं। ओके, नाउ फिश आउट्स है, वी मेक होम्स फॉर our domestic animals। learn the animals of these homes by matching the two rows। that means कि आपको क्या करना है, one row है, ये two rows है। अब आपको क्या करना है, match करना है कि कौन सा जो animals है वो कहाँ पे रहता है। okay, तो first of all है cow, तो cow रहती है shed में। उसके बाद है ये rabbit है, तो rabbit रहता है वॉन में। उसके बाद है शीप, तो शीप रहेगा पेन में। उसके बाद हॉर्स, तो हॉर्स टेबल में। और जो हैन है वो रहेगी कूप में। ओके, सो ये आपको मैच करना है। नाउ फूड दैट एनिमल्स ईट। अब हम देखेंगे कि जो एनिमल्स होते हैं वो किस टाइप का फूड्स जो है वो खाते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स। सम एनिमल्स ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रास एज फूड। दैट मीन्स कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी अलग अलग टाइप की जो होती है वो खाने की हैबिट्स होती है। कुछ एनिमल्स जो है वो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और ग्रास खाते हैं। दीज आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। दैट मीन्स कि ऐसे जो एनिमल्स है जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उसको हम कहेंगे प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवोरस। ओके, सम एनिमल्स आर ओनली मीट ईटर्स, दे ईट फ्लैश ऑफ देयर अदर एनिमल। दैट मीन्स कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, वो लोग दूसरे जानवर जो होते हैं उनका मीट जो है वो खाते हैं। नाउ टर्न द पेज, सच एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस। दैट मीन्स कि जो एनिमल्स सिर्फ और सिर्फ मीट
खाते हैं या तो फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम कहेंगे फ्लैश ईटिंग एनिमल और कार्निवोरस. ओके, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश ऑफ एनिमल्स, दे आर नोन एज ओमनीवोरस. दैट मीन्स कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो दोनों टाइप के खाने खाते हैं, वो प्लांट्स भी खाते हैं और जो मीट होता है एनिमल्स का वो भी खाते हैं, तो उसको हम कहेंगे ओमनीवोरस. ओके, द एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. दैट मीन्स कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो लोग जो मुर्दा मरे हुए जो एनिमल्स होते हैं उनका मीट खाते हैं, तो उसको हम कहेंगे स्कैवेंजर्स. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर फूड हैबिट्स. अब देखते हैं कि फूड हैबिट्स के बेस पर उनके कितने टाइप्स है. सबसे पहले है हार्बीवोरस. देखो यहाँ पे जिराफ है, हॉर्स है, काव है, गॉट है, ये सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट खाते हैं, तो इसको हम कहेंगे हार्बीवोरस. सेकेंड है कार्निवोर. कार्निवोर दैट मीन्स के जो एनिमल्स होते हैं ये सारे जो एनिमल्स हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड और हॉक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, तो इसको हम कहेंगे कार्निवोरस. दैट मीन्स अब नेक्स्ट है ओमनीवोर. यहाँ पे रेड फॉक्स, बेर, चिपमंक और डॉग, ये जो सारे एनिमल्स हैं वो प्लांट प्रोडक्ट भी खा सकते हैं और एनिमल्स को भी खा सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे ओमनीवोरस. ओके, तो नेक्स्ट है स्कैवेंजर. दैट मीन्स कि ये जो एनिमल्स है ये एनिमल्स है वो डेड एनिमल है जो उनको खाते हैं, वल्चर्स, हाइना और क्रो, तो ये सारे हो गए हमारे स्कैवेंजर्स. ओके, नाउ नेक्स्ट है साउंड ऑफ एनिमल्स. दैट मीन्स कि अब जो एनिमल्स होते हैं उनका साउंड कैसा आता है, वो कैसी आवाज़ें निकाल सकते हैं. एनिमल्स मेक साउंड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ एंड टू फ्रीटन देयर एनिमीज. दैट मीन्स कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपनी एक्सप्रेशन मतलब कि एक्सप्रेशन दिखाने के लिए आवाज़ करते हैं, या तो फिर अगर किसी भी और जानवर को डराना हो, उनके दुश्मन को डराना हो, तब वो लोग अलग अलग टाइप की आवाज़ निकालते हैं. दे ऑल्सो मेक साउंड टू कॉशन अदर एनिमल्स ऑफ डेंजर. दैट मीन्स कि वो लोग अगर उन लोगों को किसी और जो एनिमल होता है उसको सावधान करने के लिए भी वो लोग अलग अलग टाइप के साउंड निकाल सकते हैं. इन फॉरेस्ट मंकीज एंड बर्ड्स विच लिव ऑन ट्रीज कॉल्ड आउट लाउडली व्हेन दे सी एनी फेरोशियस एनिमल सच एज अ टाइगर. दैट मीन्स के जंगल में मोस्टली हमको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं और मंकीज होते हैं वो ट्रीज के ऊपर रहते हैं, तो उनको नीचे का ज़्यादा एरिया वो देख सकते हैं, और अगर उनको वहाँ से पेड़ पे से कोई क्रूर जानवर दिखे जैसे कि टाइगर है तो वो उसको देख के बाकी जो एनिमल्स होते हैं उनको चेतावनी देते हैं, सावधान करते हैं. दिस वे दे अलर्ट अदर एनिमल्स सच एज द डियर, बाइसन, एक्सेट्रा. दैट मीन्स के मैंने अभी जो बताया वैसे ही वो लोग देख के दूसरे जानवर जो है, दूसरे एनिमल्स है जैसे कि डियर है, बाइसन है, उनको वो लोग सावधान करते हैं कि यहाँ पे खतरा है. ओके, नाउ अब देखते हैं कौन सा एनिमल्स कैसा साउंड, उसके साउंड को क्या कहते हैं. फर्स्ट है यहाँ पे एनिमल्स की रो है और सेकंड है साउंड. यहाँ पे मंकी है, तो मंकी क्या करता है, तो मंकी कैसी साउंड निकालता है, तो मंकी मोस्टली चैटर्स करता है. उसके बाद सेकंड है हॉर्स, तो हॉर्स नीक करता है. उसके बाद है गॉट, गॉट क्या करती है, तो गॉट ब्लिस्ट करता है, गॉट जो आवाज़ निकालती है उसको हम कहेंगे ब्लिस्ट. देन नेक्स्ट इज डॉग, तो डॉग क्या करता है, तो डॉग बार्क करता है. नेक्स्ट है लायन, लायन करता है रोर. एलिफेंट, एलिफेंट जो आवाज़ निकालता है उसको हम कहेंगे ट्रम्पेट्स. दैट नेक्स्ट इज कैट, कैट जो आवाज़ निकालेगा उसको हम कहेंगे म्यूज. लास्ट वन इज बर्ड, बर्ड करेगा चीप. ओके, नाउ और नेक्स्ट टॉपिक बेबीज ऑफ एनिमल. दैट मीन्स के जो एनिमल्स होते हैं उनके जो बेबीज होते हैं उसको हम क्या कहेंगे. ओके, ऑल एनिमल्स हैव बेबीज. हम सबको पता है कि सारे जो एनिमल्स हैं उनको बेबीज होते हैं. लार्ज एनिमल्स सच एज एलिफेंट, काउस, डियर
एक्सेट्रा यूजुअली हैव ओनली वन बेबी एट अ टाइम. स्मॉल एनिमल्स सच एज दैट मीन्स कि जो लार्ज एनिमल है जैसे कि एलिफेंट है, काउ है, डियर है, और ऐसे ही जो लार्ज एनिमल है वो एक टाइम पे एक ही बेबीज को कैरी कर सकते हैं. नाउ स्मॉल एनिमल्स जैसे कि छोटे एनिमल्स जैसे कि डॉग है, कैट है, रैबिट है, हैव मैनी बेबीज एट अ वन टाइम. दैट मीन्स कि ये जो सारे एनिमल्स है, जो स्मॉल एनिमल्स है, डॉग है, कैट है और रैबिट है, वो एक टाइम पे एक से ज़्यादा बेबीज को जन्म दे सकते हैं. लेट अस फाइंड आउट वॉट द बेबी एनिमल्स आर कॉल्ड. दैट मीन्स कि यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेबीज एनिमल है उसको हम क्या कहेंगे. अ लायन एंड इट्स कब. दैट मीन्स कि जो लायन होता है उसके बेबी को हम कहेंगे कब. अ हॉर्स एंड इट्स फॉल. दैट मीन्स कि हॉर्स की जो बेबी है उसको हम कहेंगे फॉल. दैट मीन्स नेक्स्ट है द अ गॉट एंड इट्स किड. यहाँ पे जो गॉट है उसके बेबीज को हम कहेंगे किड. नेक्स्ट है अ शीप. अ शीप एंड इट्स लैम्ब. दैट मीन्स कि जो शीप है उसके बेबी को हम लोग कहेंगे लैम्ब. सॉरी अ डियर एंड इट्स फॉन. दैट मीन्स कि जो डियर है उसके बेबीज को हम कहेंगे फॉन. नेक्स्ट है अ कांगारू एंड इट्स जॉय. दैट मीन्स कि जो कांगारू है उसके बेबी को हम कहेंगे जॉय. ओके हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनिमल्स अवर फ्रेंड्स. दैट मीन्स कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे दोस्त हैं. वी कीप सम एनिमल्स इन आवर होम्स बिकॉज दे आर यूजफुल टू अस. लेट अस रीड ऑन टू नो हाउ एनिमल्स हेल्प अस. दैट मीन्स कि हम लोग कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनको हमारे घर में या तो फिर घर के आसपास रखते हैं क्योंकि वो बहुत ही यूजफुल हमें होते हैं, मददगार होते हैं. तो चलिए ऐसे ही कुछ एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स. अब हम देखते हैं कि एनिमल्स से हमको क्या क्या मिल सकता है. सबसे पहले मिल्क. तो मिल्क कौन देता है? काव, गॉट, बफेलो, कैमल. नेक्स्ट है एग. तो हमें एग कहाँ से मिलता है? डक से, हैन से और क्विल से. सॉरी. नेक्स्ट है मीट. तो मीट हमको कहाँ से मिलता है? हैन, गॉट, फिश एंड प्रॉन्स. नेक्स्ट है वूल. वूल हमको कहाँ से मिलता है? शीप से, रैबिट से, अंगोरा गोट और कैमल. वी ऑल्सो गेट लेदर फ्रॉम सम एनिमल्स सच एज बफेलोज, कैमल, स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स विच वी यूज टू मेक सू बैग्स, बेल्ट्स, पर्सेस एंड मैनी अदर थिंग्स. दैट मीन्स कि हमको जो लेदर होता है वो चमड़े की चीज़ें, चमड़ा जो है वो हमको बफेलो से मिलता है, कैमल, स्नेक और क्रोकोडाइल से मिलता है, जिसकी मदद से हम लोग शूज बना सकते हैं, बैग्स, बेल्ट्स, पर्सेस और भी बहुत सारी यूजफुल चीज़ें बना सकते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वर्म एंड हनी एंड वैक्स फ्रॉम हनी बीज. दैट मीन्स कि जो हमें सिल्क मिलता है वो हमें सिल्क वर्म से मिलता है और हनी और वैक्स जो है वो हमको हनी बीज से मिलता है. डॉग्स गार्ड अवर हाउसेस एंड कैट्स कीप द माइस अवे. दैट मीन्स कि जो डॉग्स होते हैं वो हमारे घर को सुरक्षित रखते हैं, गार्ड करते हैं, और जो कैट्स होती है वो माउस को हमारे घर से दूर भगाती है. सम एनिमल्स सच एज डोंकी, म्यूल्स, यॉर्क्स, कैमल्स, हॉर्सेस, ऑक्सिन एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कैरी लोड फॉर अस. दैट मीन्स कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि डोंकी है, म्यूल्स है, यॉर्क्स है, कैमल्स, हॉर्सेस, ऑक्सन और भी सारे डोमेस्टिक एलिफेंट्स होते हैं, वो हमें जो हमारे जो लोड्स हैं, हमारी जो वजनदार चीज़ें हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए हेल्प करते हैं. सम ऑफ दिस एनिमल्स ऑल्सो हेल्प अस टू द ऑन द फार्म. ऐसे ही कुछ एनिमल्स हैं जो हमें खेती के जो काम होते हैं फार्म में वो हेल्प करते हैं. एनिमल्स दैट कैरी लोड्स फॉर अस आर कॉल्ड अ बीस्ट ऑफ बर्डन. दैट मीन्स के ऐसे ही जो एनिमल्स होते हैं जो हमारे लिए लोड जो है, हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हैं, तो ऐसे ही एनिमल्स को हम कहेंगे बीस्ट ऑफ बर्डन. देखो यहाँ पे कुछ एनिमल्स है, ऑक्स, डोंकी, याक और एलिफेंट. तो ये जो सारे एनिमल्स है उसको हम कहेंगे बीस्ट ऑफ बर्डन.
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्निंग फॉर एनिमल्स। लेट्स स्टार्ट। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, सॉरी दैट मीन्स कैरिंग फॉर एनिमल्स, दैट मीन्स के एनिमल्स की हमको कैसे देख रेख रखनी चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स, वी शुड बी काइंड टू दैम, दैट मीन्स कि जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे दोस्तों की तरह होते हैं, हमको उनके उनके प्रति, उनके अगेंस्ट हमको काइंड रहना चाहिए, प्यार रखना चाहिए। वी मस्ट गिव आवर डोमेस्टिक एंड पेट एनिमल्स क्लीन एंड हेल्थी फूड एंड मेक गुड शेल्टर फॉर दैम। दैट मीन्स कि हमको हमारे जो डोमेस्टिक एनिमल है या तो फिर पेट एनिमल है, उनको क्लीन और हेल्दी जो है खाना देना चाहिए और अच्छा घर देना चाहिए। ओके, एनिमल्स वर ऑफन हॉन्टेड एज अ स्पॉट इन द पास्ट, दैट मीन्स के पास्ट में, भूतकाल में जो एनिमल्स होते हैं उनको खेलकूद की वजह से उनका शिकार किया जाता था। इवन टुडे सम पीपल सीक्रेटली किल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड एक्सेट्रा फॉर देयर स्किन, हेयर, टीथ एंड अदर बॉडी पार्ट्स। दैट मीन्स कि आज भी कुछ जगहों पर सीक्रेटली जो है चुपके से ऐसे ही एनिमल्स का शिकार किया जाता है, जैसे कि टाइगर हो, एलिफेंट, लेपर्ड जैसे जानवरों का, उनकी स्किन के लिए, हेयर के लिए, या तो फिर दांत के लिए, या तो फिर और भी किसी बॉडी पार्ट्स के लिए उनका आज भी हंट होता है, उनका शिकार होता है। फॉरेस्ट आर होम्स टू एनिमल, दैट मीन्स के जो जंगल है वो ऐसे ही जानवरों का घर है, बट वी हैव कट डाउन मैनी फॉरेस्ट टू बिल्ड रोड्स, हाउसेस, फैक्ट्रीज एंड सो ऑन। बट अभी हमने क्या किया है कि घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्री या तो फिर और कोई चीज़ें को डेवलप करने के लिए हमने जो है जंगलों को काट दिया है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सर्वरल एनिमल्स एंड बर्ड्स हैव लॉस्ट देयर होम्स, दैट मीन्स के उसकी जो परिणाम हुआ है वो क्या हुआ है कि जो कुछ एनिमल्स है जो जंगल में रहते हैं, एनिमल्स और बर्ड्स, उनको अपना घर जो है वो खोना पड़ा है। मैनी ऑफ देम डाइड बिकॉज ऑफ बींग होमलेस, और ऐसे ही कुछ एनिमल्स है वो मर गए क्योंकि उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। वी मस्ट स्टॉप माइंडलेस कटिंग डाउन ऑफ फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्ट द एनिमल्स फ्रॉम बींग किल्ड, दैट मीन्स कि हमको ऐसे ही बिना सोचे समझे जो है वो जंगल है उनको, उनके पेड़ को कट नहीं करना चाहिए और जो एनिमल है उसे मरने से, ऐसे ही किल्ड होने से बचाना चाहिए। ओके, सो दिस इज अवर चैप्टर नंबर 13 फिनिश्ड। ओके, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।